गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वसीम डायरेक्टर डब्ल्यूएलजे एस्पो क्रिएटर एंड कम्पिटेबल क्लासेस। वेलकम यू ऑल टू अटेंड दिस ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, इट्स डे 35। वी विल डिस्कस अबाउट 10 स्टूडेंट फ्यूचर एंड ऑफ इट। बट बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन डब्ल्यूएलजे पॉपुलर फॉर एस्पो क्रिएटर एंड कम्पिटेबल क्लासेस बाय वसीम सर मी। गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट शैल विल प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। एज वी ऑल नो दैट शैल वी यूज विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, विथ रेस्ट पर्सन और सब्जेक्ट वी यूज विल। बट इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जनरली विल इज बीइंग यूज्ड और आई विल दे शैल ही लाइक दिस दीज आर बीइंग यूज्ड। फॉर हिंदी भाषी जिस वाक्य के आखिर में गा गे गी लगा हुआ है यानी कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। डेफिनेशन लेंगे तो हेयर वर्क विल हैपन इन फ्यूचर, यहाँ काम जो है भविष्य में होगा। हम कोई काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे कूदेंगे ऐश करेंगे और क्या। एग्जाम्पल लेंगे शी विल सिंग अ सॉन्ग आफ्टर द क्लास, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो क्लास के बाद एक गाना गाएगी। शी वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग आफ्टर द क्लास, वो क्लास के बाद एक गाना नहीं गाएगी। विल सी सिंग अ सॉन्ग आफ्टर द क्लास, क्या वो क्लास के बाद एक गाना गाएगी। वॉन्ट सी सिंग अ सॉन्ग आफ्टर द क्लास, क्या क्लास के बाद वो गाना नहीं गाएगी। Why will she sing a song after that class? वो क्लास के बाद गाना क्यों गाएगी। और why won't she sing a song after the class? वो क्लास के बाद एक गाना क्यों नहीं गाएगी। Friends, won't she sing को हम ऐसे ही बना सकते हैं will she not, और इसी तरह से why will she not भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये ऑल सिक्स फॉर्म्स सिक्स स्टाइल्स में अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन डब्ल्यू नेगेटिव आई एम्स के यूज। तो पहला यूज है वो शो कर रहा है इसके ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट को। प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज, पौधे बड़े होकर पेड़ बनेंगे, यानी कि इन फ्यूचर पौधा लगाएंगे वो पेड़ बन जाएगा। स्प्रिंग विल कम अगेन, बहारें फिर से आएंगी, ये बसंत का मौसम फिर आएगा, लाइक दिस। दूसरा यूज जो है ये मेन फ्यूचरिटी शो कर रहा है, दे विल परफॉर्म ए ग्रुप डांस, वे लोग ग्रुप डांस का प्रदर्शन करेंगे। ही विल थ्रो ए पार्टी टू नाइट, वो आज रात पार्टी देगा। सी विल कुक सी बी टू नाइट, वो आज रात चिकन बिरयानी पकाएगी। तो मेन यहाँ पे यही सिंपल फ्यूचरिटी को शो करता है। ये जो है आपको रिक्वेस्ट शो कर रहा है, विल यू मूव अ बिट प्लीज, क्या आप थोड़ा खिसकोगे। विल यू स्विच ऑन द फैन, क्या आप पंखा ऑन करोगे, किसी कोई काम के लिए रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, इसमें डबल क्लाउज है, एक क्लाउज है आई होप, दूसरा क्लाउज है सी विल कम, या दोनों को कनेक्ट कर रहा है डेट। इस तरह का हम लोगों ने पहले पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था, तो उसमें था आई होप डेट सी वुड कम, या उसमें था कि सोचा वो हो गया। परफेक्ट में पढ़ा था मैंने पास्ट परफेक्ट में आई हैड होप डेट सी वुड कम हियर, मैं सोचा था कि वो आएगी लेकिन वो नहीं आई। यहाँ आई होप डेट सी विल कम हियर, तो यहाँ भी फ्यूचर में रिजल्ट नहीं आया है, मैं आशा करता हूँ कि वो आएगी। देखिए अभी काम नहीं हुआ है, हो सकता है कि आ जाए, अगर आ जाएगी तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा आई होप डेट सी वुड कम, नहीं आएगी तो इसका मतलब आई हैड होप डेट सी वुड कम। दे एक्सपेक्ट डेट डे वुड सिक्योर 75 मार्क्स, ये भी सेम एग्जाम्पल, दोनों को कनेक्ट कर रहा है डेट। वे लोग अनुमान लगाए थे उन लोगों को 75 मार्क्स आएगा, अभी रिजल्ट आएगा तो क्लियर होगा। ये देखिए ये ऑफर है शैल वी डांस, क्या हम लोग डांस करें, किसी को हम लोग पार्टनर के तौर पर डांस करने के लिए अगला ऑफर कर रहे हैं। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। इस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल के जगह पे हम विल का भी यूज कर सकते हैं, विल वी डांस विल आई हेल्प यू। ये देखिए ये जो है आपको शो कर रहा है डिटर्मिनेशन, एक किरदार बनाए हुए हैं आई विल डू इट, है ना, वेदर इट इज राइट अराउंड। तो इसको आई पढ़ेंगे, यहाँ आई का मतलब आई शैल भी हो गया और आई विल भी हो गया, जो आप समझ सकते हैं। आई डू इट वेदर इट इज राइट अराउंड, मैं इसको करूंगा चाहे ये गलत हो या सही हो। विल वॉच ओ एम जी ओ माई गॉड मूवी वेदर पापा अलाउज अस और नॉट, हम लोग OMG मूवी देखेंगे चाहे इसके पापा हमें अनुमति दे या न दे। आई कंटिन्यू टू लव यू वेदर यू लव मी और नॉट, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो। तो इस सेंस में आई शैल आई विल दोनों पढ़ेंगे, विल वी शैल वी विल दोनों हो जाएगा। अब यहाँ फिर देखेंगे डबल क्लॉज है, इफ यू हेल्प मी टूडे आई विल हेल्प यू टूमोरो, दोनों को कॉमा जोड़ रहा है, एक जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है, दोनों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं रखते हैं कि ग्रामर से गलत हो जाएगा। तो इफ यू हेल्प मी टूडे आई विल हेल्प यू टूमोरो, अगर तुम मेरी आज मदद करोगे तो मैं तुम्हारी कल मदद करूंगा। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं इफ यू विल हेल्प मी टूडे आई विल हेल्प यू टूमोरो, तो ग्रामर से ये गलत है, दोनों क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं करते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। If I get a job, I'll throw a party. अगर मुझे जॉब मिलेगा तो मैं एक पार्टी दूंगा। तो ये हो गया आपका डबल क्लॉज में, दोनों को कॉमा जोड़ रहा है, अगर नौकरी मिलेगा तो पार्टी दूंगा। इस सेंस में गाइस मोटा मोटी इन नट सेल बाय लार्ज वी अंडरस्टैंड दैट वर्क विल हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम होगा, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का।
Hope you understood it. If you understood, please like and subscribe my YouTube channel English Education WLJ. That's it, friends. Thank you and have a nice day.